आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार सागर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय आयसह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMS एग्ज़ाम जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम NMS एग्ज़ाम की पूरी जानकारी देंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा कि फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, कौन कौन क्लास भर सकता है, कौन स्कूल का विद्यार्थी भर सकता है, कितना पैसा आता है, जो भी सवाल इससे संबंधित है आपको इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भी फॉर्म आएगा तो हम इसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको देते हैं, जो भी इसकी संबंधित जानकारी आएगी तो सबसे पहले हम देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है, सारी प्रक्रिया समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, NMS स्कॉलरशिप 2021 की बात हम कर रहे हैं, 2021-22 की बात कर रहे हैं। तो NMS का जो फुल फॉर्म होता है, NMS का मतलब होता है द नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये NMS का फुल फॉर्म है, द नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये हो गया NMS का फुल फॉर्म, ये पूरा नाम हो गया। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आयसह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा, और इसमें जो है इसको ये भी बोल सकते हैं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आयसह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा। तो ये रहा इसका फुल फॉर्म। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये भी पूछते रहते हैं कि NMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आज आप जान लीजिए कि NMS का फुल फॉर्म होता है द नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, और ये जो है इसको प्रोवाइडेड बाय द MHRD, ये जो है MHRD ये इसका विभाग है जो इस परीक्षा को आयोजित करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का योजना है, भारत सरकार ये योजना चलाता है, यानी यह सरकारी योजना है, ये कोई प्राइवेट योजना नहीं है, और जो MHRD विभाग है ये परीक्षा आयोजित करता है। और इसमें जो है पूरे इंडिया से 1,00,000 स्टूडेंट का चयन किया जाता है, पूरे इंडिया से 1,00,000 स्टूडेंट का चयन होता है मेघा छात्रवृत्ति पाने के लिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में जिसका चयन होता है यानी कि जो इसमें पास करते हैं, वैसे छात्र को प्रत्येक महीना 1,000 रुपया के दर से, यानी कि 1 साल में 12,000 रुपया, और ये 4 वर्षों तक मिलता है, यानी कि 48,000 रुपया दिया जाता है। यानी कि अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आप 48,000 रुपया के भागीदार बन सकते हैं, 48,000 रुपया आपको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी, वो 4 सालों में दी जाएगी और 4 किस्तों में दी जाएगी। तो 1 वर्ष में 12,000 रुपया 4 वर्षों तक मिलता है। और ये जो परीक्षा होता है ये 8वीं कक्षा के छात्र इसका फॉर्म भरते हैं, जो छात्र अभी 8वीं कक्षा में अध्ययनरत रहे, जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके लिए एक अलग एग्ज़ाम होता है जिसको कि NTSE एग्ज़ाम कहते हैं, जो 10वीं में है वो भी छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट में होता है और उसमें भी इसी तरह का सेम प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा दिनों तक पैसा मिलता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। NTSE एग्ज़ाम जो क्लास 10th के लिए होता है, अभी जो हम बात कर रहे हैं यह क्लास 8 के लिए है, और यह पूरे इंडिया में आयोजित होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट में, पूरे इंडिया में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में यह परीक्षा आयोजित होता है, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है। चलिए और इसके बारे में आगे देखते हैं। SCERTS, ये जो SCERTS है ये डिपार्टमेंट है जो स्टेट लेवल पर, अभी जो MHRD बताए थे वो पूरे इंडिया का विभाग है जो इस परीक्षा को आयोजित करता है, और अलग अलग राज्य में इसका परीक्षा का जो तिथि होता है अलग अलग होता है, रिजल्ट देने का भी तिथि अलग अलग होता है, लेकिन जो छात्रवृत्ति मिलती है तो सबको एक साथ मिलती है, सबका सिलेक्शन एक साथ होता है, और जब छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई होता है तो सब एक साथ अप्लाई होता है। तो स्टेट लेवल पर इसका SCERT जो है इसका संचालन करती है, ये इसका विभाग का नाम है। उसके बाद जो है आगे जानते हैं,
और क्या क्या है इसमें? इसका जो फॉर्म भरा जाता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से ये फॉर्म इसका अप्लाई होता है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं या ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो ऑफलाइन में थोड़ी सी परेशानी होती है कि जो है फॉर्म को जा करके ज़िला में जो है इसका कार्यालय है वहाँ पे जमा करना होता है। अगर स्कूल के हेड सर ले लेते हैं तो फिर वो जमा करेंगे कार्यालय में सुपौल जा करके, जहाँ जैसे कि मेरा ज़िला का नाम सुपौल है तो वहाँ सुपौल में जा करके इसका कार्यालय होगा, वहाँ पर जाके जमा करेंगे। और आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट का थी होगा तो वहाँ पे जाके जमा करना होगा। तो ये हो गया। उसके बाद जो है इसमें 8 क्लास का जो स्टूडेंट है उसको 8 में कम से कम 55% मार्क होना चाहिए, तब जो है वो परीक्षा को भर सकता है। तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा इसलिए क्योंकि कोविड-19 के तहत तो स्कूल ही बंद था, तो फिर एग्ज़ाम ही नहीं हुआ 2 वर्षों से, तो फिर प्रतिशत या मार्क आने का बात ही नहीं होता है। तो इसलिए यह ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है जो 8 क्लास में पढ़ता है, ये मार्क की बात इसमें नहीं होगी क्योंकि परीक्षा ही नहीं हुआ है। तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, चलिए देखते हैं। NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति, जो छात्र नवोदय में पढ़ रहे हैं, नवोदय स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो नहीं भर सकते हैं। कन्या विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं भर सकते हैं। और सैनिक स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, वो इसके लिए नहीं है, वो पात्र नहीं है। चलिए इसके बाद जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तभी जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। नवोदय वाला और कन्या विद्यालय वाला और सैनिक स्कूल वाला और प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब बात आगे करते हैं। इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा, आपको NMS एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कब परीक्षा होता है, कब पैसा मिलता है, पैसा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बहुत सारे छात्र अभी परीक्षा दे दिए हैं, पास भी कर गए हैं और वीडियो में कमेंट करते हैं तो सर पैसा कब आएगा, इसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए भी मैं सारी प्रक्रिया बता दूंगा इस वीडियो में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सभी सवाल का जवाब मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है जो परीक्षा होती है NMS एग्ज़ाम, इसमें जो है 2 पेपर्स यानी 2 पेपर होता है, यानी 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक होता है मैट और दूसरा होता है सेट। मैट जो होता है तो ये होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और ये जो होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट के लिए होता है। तो ये 2 पेपर होता है। तो ये 2 पेपर में दोनों में आपको 90-90 मिनट का समय मिलता है और दोनों में 90-90 प्रश्न होते हैं। यानी कि अगर हम दोनों को अगर एक साथ जोड़ दें तो कुल 180 प्रश्न होते हैं और को 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय मिलता है, और ये दोनों पेपर होता है। चलिए और डिटेल जानने के लिए आगे पढ़ते हैं। इसमें पैसा किसको मिलेगा? तो जो विद्यार्थी NMS एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे यानी कि जो पास करेंगे उसी को पैसा मिलेगा, जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो सब इसके पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा 8 क्लास में आपको 55% मार्क आना चाहिए, और जो SC ST कास्ट कैटेगरी में आते हैं उसको 50% मार्क चाहिए। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इस बार के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस बार एग्ज़ाम ही नहीं हुआ 2 साल से, तो 8 क्लास में तो फिर ये मायने नहीं रखता है। चलिए ये कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये मायने नहीं रखता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकम। आपका जो फैमिली इनकम है वो जो है 1.5 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि आपको आय प्रमाण पत्र बना करके देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट बना के देना होगा ब्लॉक से, जिसमें कि आपको 1.5 लाख से कम आय होना चाहिए। ये जो है किसी भी ऑल द सोर्सेस मतलब सभी सोर्स मिला करके आपको, यानी सीधा सीधा अगर बोले तो आपको 1.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बना करके देना होगा, तभी जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके माता पिता किसी सरकारी नौकरी करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि उनका तो सालाना आय 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
तो ये देख लीजिए कि ये गरीब छात्रों के लिए है, जिसका जिसके माता पिता का सालाना आय 1.5 लाख से कम है, वैसे छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कौन कौन से कागजात लगता है, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको परेशानी ना हो। अगला दिया है कि जो स्टूडेंट इंडिया में रह के इंडिया में रहते हैं, इंडिया का स्टूडेंट ही इसको भर सकता है, यानी किसी अदर कंट्री से आकर के इस फॉर्म को नहीं भर सकता। अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको जो है इस परीक्षा में आपको पास करना होता है, तब जाके स्कॉलरशिप मिलता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन इसको नहीं भर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब है रेनुअल के लिए। अब ये रेनुअल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र 2021 में इस बार जो परीक्षा होता है उसमें पास कर गया है, तो जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई चालू होगा तो अप्लाई करेगा और उसको एक किस्त मिल जाएगा, 12,000 रुपये मिल जाएगा। फिर उसको उसके बाद क्या होता है कि अगले साल उसको फिर से रेनुअल कराना होता है, मतलब चार बार आपको चार किस्त मिलेगा, तो चार बार आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा तब जा करके ये पैसा मिलेगा, यानी जितना बार पैसा मिलेगा उतना बार ऑनलाइन कराना पड़ेगा, ये होता है रेनुअल। चलिए उसके बाद है ये जो पैसा मिलता है छात्रवृत्ति का, यह जैसे कि आप 8 क्लास में रहते हैं और तब परीक्षा देते हैं, तो आपको 9th, 10th, 11th और 12th क्लास में आपको पैसा मिलता है। तो जैसे ही आप 9th क्लास को पास कर जाते हैं तो आपको एक किस्त मिल जाएगा, फिर 10th में पास करते हैं तो दूसरा किस्त, 11th में पास करते हैं तीसरा, और 12th पास करते हैं तब जाके चौथा किस्त आपको मिलता है। तो इस तरह से मिलता है। और इसमें आपको जो है एक शर्त भी है कि आपको मिनिमम जो है 55% मार्क आना चाहिए, और जो है अगर SC ST में आते हैं तो 50% मार्क आपको आना चाहिए 9th, 10th, 11th, 12th में, तब जा कर के आपको अगली किस्त मिलता है। तो इस पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ दिया है कि 11th में जो है आपको 60% चाहिए और 10th क्लास में 50% चाहिए SC ST के लिए, तो ये देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो आपको हर क्लास में 1st डिवीज़न लाना। अगर आप मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर लेते हैं तो निश्चित बात है कि आप पढ़ने में ब्रिलियंट है और आप तो आराम से 60% मार्क ला ही सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी हम ये बात कर चुके हैं कि इसका जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल होता है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, बहुत विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर कैसे फॉर्म भरेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट ये रहा इसका ऑफिशियल, इस पर आपको जाना है scholarships.gov.in। ये इसका ये जो है ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ओपन करके जैसे ही फॉर्म का अप्लाई चालू होगा, अभी अप्लाई चालू नहीं हुआ, जैसे अप्लाई चालू होगा तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि अप्लाई चालू हुआ कि नहीं, और इसी पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो भी डिटेल मांगा जाएगा उसको पूरा भर के और जो है सबमिट करना होगा। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या लगता है वो पहले हम बता चुके हैं, तो वो सब आप बना करके रखें। जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ये सारा प्रूफ लगता है, ईमेल आईडी और उसके बाद फ़ोटो, ये सारा चीज़ आप करके रखें, रेडी रखें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ कहता है कि पूरा जो है सब कुछ भरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी जानकारी मांगी जाएगी आपको सारा भरना है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। तो अगर आप इसका परीक्षा का पैटर्न जानना चाहते हैं तो आपको 2021 का जो क्वेश्चन है उसको देखना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। 2 सेक्शन यानी 2 सेक्शन होते हैं, बता दिए थे। मैट यानी इसका फुल फॉर्म होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, और दूसरा होता है स्कोलिस्टिक्स एप्टीट्यूड
टेस्ट यानी सेट, ये शैक्षिक योग्यता परीक्षा। तो ये दो तरह का होता है और दोनों में पास करना ज़रूरी होता है। आगे बताएंगे कि पास करने के लिए कितना मार्क चाहिए। दोनों में आपको 35 से ज़्यादा मार्क चाहिए तो आप पास हो जाते हैं। और इसमें जो है अलग अलग कास्ट के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था है उसके तहत कम मार्क में भी सिलेक्शन हो जाता है, 28 मार्क में भी किसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट से आते हैं, किस जाति से आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एवरेज बताया कि 35 मार्क से ज़्यादा, किसी में किसी बार कम में भी सिलेक्शन हो जाता है, किसी बार ज़्यादा भी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मैट का परीक्षा होता है इसमें आपको पूछा जाता है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट वाला जो होता है तो इसमें 90 प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाता है। तो रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछा जाता है तो उसी तरह से इसमें इजी वाला रीजनिंग सब पूछा जाता है। और क्रिटिकल थिंक्स स्किल्स मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, किसी सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, जितना जल्दी हल कर सकते हैं, इस टाइप का सवाल है इसमें। यानी कुल मिलाकर कहें तो माइंड का टेस्ट होता है, दिमाग वाला प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो ये हो गया। और जो ये सेट का एग्ज़ाम होता है तो ये सेट वाला जो होता है इसमें आपको पूछा जाता है क्वेश्चन साइंस से, सोशल साइंस से और मैथमेटिक्स से। तीन सब्जेक्ट इसमें आ गया। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को ले लीजिए। सोशल साइंस में जो है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये तीनों को ले लीजिए। और मैथमेटिक्स ये तो तीन सब्जेक्ट जो है इससे जो है सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच ऑफ दीज पेपर्स इज हेल्ड फॉर 90, ये इसको पहले ही बता चुके हैं कि दोनों पेपर 90-90 मिनट का होता है। कुल 180 मिनट का समय मिलता है और 180 प्रश्न भी रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक अंक निर्धारित होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा की तैयारी आपको जो है पहले से जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको परीक्षा अभी लेट है लेकिन दिसंबर या जनवरी में परीक्षा होता है तो आप पहले से ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अभी शुरू हो चुका है, बहुत विद्यार्थी शुरू कर दिए हैं। तो आप भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो परीक्षा की शुरू आप कर सकते हैं। तो कैसे तैयारी करना है उसके लिए चल देखिए। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको NCERT जो सिलेबस है क्लास 8 का उसको आपको पूरा कवर करना है, यानी उसको बनाना है। और इसमें मैंने बता दिया कौन कौन चीज़ से, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये तीन सब्जेक्ट को आपको देखना है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी से, संस्कृत से सबसे प्रश्न नहीं पूछता है। किससे पूछता है, सिर्फ मैथ, साइंस और सोशल साइंस से। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो NCERT का बुक है आपके क्लास का उसको आप उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसको आप निश्चित रूप से बना करके उसको याद कर लें, उसको समझ लें। तो यहाँ पे बताया है कि फोकस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, साइंस पे आपको फोकस करना है, सोशल साइंस पे करना है और मैथमेटिक्स, ये तीन वो सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपको पास करना है इस एग्ज़ाम में तो आपको जो है ये तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करना है। इस पे भी हम मैंने वीडियो बना दिया था कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी सेट की तैयारी कैसे करें। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। चलिए इसके बाद एक और ज़रूरी बात क्या है कि यहाँ दिया है सम क्वेश्चंस में आल्सो बी आस्क फॉर्म द सिलेबस ऑफ क्लास 7। कुछ क्वेश्चन आपको क्लास 7 से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि क्लास 7 का जो मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है आप उसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लें और उसे भी याद कर लें, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन उससे भी पूछा जा सकते हैं। तो 7th में आप पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार उसको देख लें। और जो मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ का भी है तैयारी, यानी रीजनिंग का बुक आता है उपहार, जूनियर रीजनिंग बुक ये भी आप खरीद सकते हैं। या मेघा छात्रवृत्ति का जो गाइड आता है उपहार, राष्ट्रीय सब मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा गाइड आता है, आप उसको खरीद करके रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। या रीजनिंग का अलग से बुक मिलता है तो आप उसकी तैयारी ज़रूर कर लें क्योंकि रीजनिंग से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया कि रीजनिंग का भी अभ्यास करना है आपको। हाँ, बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग, तो जो भी अच्छा किताब है मैंने बता दिया कि उपहार रीजनिंग गाइड में अच्छा से दिया रहता है तो आप उसको खरीद सकते हैं। या रीजनिंग के लिए अलग से उपहार जूनियर रीजनिंग बुक आता है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं।
तो इसमें कौन कौन चीज़ पहले बता दिए हैं कि विद्यार्थी को सबसे पहले जो है एनसीईआरटी बुक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो आपको जो है मैथ साइंस और सोशल साइंस पे विशेष फोकस करना है, और इसके बाद रीजनिंग पे, यही चार चीज़ पूछा जाता है। और क्लास 7 से ये तो मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको और क्या तैयारी करना है कि जो जो कंप्यूटिंग जो बुक्स है यानी जो गाइड है उसको बनाना ही है। जो गाइड मैंने बताया उपहार राष्ट्रीय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा गाइड, उसको बनाना है। इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने पिछला 10 साल का क्वेश्चन जो है आपको गाइड में दिया रहता है, तो आप गाइड खरीद लें तो पिछला 10 साल का क्वेश्चन जो है उसको रिवाइज करें तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट दिया रहता है गाइड में ही, आप उसको भी अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके बाद है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है और मॉडल पेपर होता है, ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका तैयारी करना, क्योंकि इससे एक आपको एवरेज एक आंकड़ा मिल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और रेगुलर प्रैक्टिस डिफिकल्टी लेवल अप, तो जो भी हार्ड क्वेश्चन लगता है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, यानी कुल 3-4 महीने अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो इसमें आसानी से पास कर जा सकते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आता है ऑफिशियल वेबसाइट है इसका एससीईआरटी बिहार, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो एससीईआरटी बिहार, अदर स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होता है वो आपको पता चल जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे रिजल्ट आएगा तो अपने पता चल जाएगा, आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। चलिए बता रहा है कि रिजल्ट के लिए आपको रोल नंबर ये सब की ज़रूरत होता है, ये तो सभी जानते हैं। ऑफलाइन में भी जो है आप मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं तो वो ऑफलाइन में भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वो जिस स्कूल से फॉर्म भरे तो वहाँ पर उसके जो है प्रिंसिपल से आप मिल सकते हैं, वो आपको रिजल्ट बता देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन है कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तो मैं बता दूं कि पूरे इंडिया से 1,00,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और बिहार की बात करूं तो बिहार में 4,538 सीट जो है बिहार में है, तो उतना विद्यार्थी का सिलेक्शन बिहार में होता है, 4,000 या 5,000 विद्यार्थी बिहार में सिलेक्शन होता है। चलिए उसके बाद है रिजल्ट जो है ऑनलाइन आता है इसका, और जो है ऑफलाइन में अगर देखना चाहे तो स्कूल में देख सकते हैं, मैंने बता दिया। और इसके लिए जो है एनसीईआरटी बुक से अगर आप तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बताया है कि एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा बेहतर। इसमें अब एक क्वेश्चन रह गया था कि नेगेटिव मार्किंग जो होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा तो उसमें गलत आंसर देने पर नंबर भी कटेगा क्या, तो बिल्कुल नंबर नहीं कटता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर इसमें नहीं कटता है। तो कुछ प्रश्न नहीं भी आता है तो भी उसको बनाना है। और इसमें ओमार सीट पर परीक्षा होता है, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होता है, यानी कि परीक्षा का सेंटर जिला मुख्यालय में होता है, वहाँ पे जाके एक दिन का परीक्षा होता है, जाके देना होता है। फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, फॉर्म जो है किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जा कर के जहाँ पे ऑनलाइन का काम होता है इंटरनेट कैफे में, वसुधा केंद्र इत्यादि में, तो वहाँ जाके आप ऑनलाइन करा सकते हैं। जो लगभग 100-150 रुपया जो है उस ऑनलाइन का चार्ज लेगा, तो बस इतना ही खर्चा होता है, और आपको 300-350 रुपये में गाइड मिल जाएगा। इसको इतना ही करके आप तैयारी कीजिए, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें समय समय पर आपको रीजनिंग मैथ और जीके से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते ही रहते हैं, उसको पढ़ करके आप तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। अगर इस तरह से कर लेते हैं तो अगर आप पास कर जाते हैं तो आप 48,000 रुपया के भागीदार बन सकते हैं, और आपके गार्जियन पर प्रेशर कम होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नाम होगा, आपको पैसा भी होगा, और आगे आपको पढ़ने में मदद भी मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए अगर ऐसा करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो विद्यार्थी पास कर चुके हैं वो क्या करेंगे। जो पास कर चुके हैं उसको इंतज़ार करना है, आपके घर पर रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, या नहीं भी आता है तो जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा तो आपको रोल नंबर एडमिट कार्ड तो होगा ही, तो और मार्क तो आपने देख ही लिया होगा, तो जैसे ही रोल नंबर डालेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा।
वैसे जो है रिजल्ट कार्ड आपके घर पे आ जाना चाहिए। जब रिजल्ट कार्ड आएगा तभी ऑनलाइन शुरू होगा। अगर ऑनलाइन शुरू हो जाता है तब तक भी रिजल्ट कार्ड नहीं आता है तो आप जो है जो शिक्षा पदाधिकारी का जिला मुख्यालय में है तो वहाँ जा कर के उसे संपर्क कर सकते हैं। तो शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, रिजल्ट कार्ड आपके यहाँ आ जाएगा। नहीं भी आता है तो जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखिएगा, ताकि जैसे ही जानकारी आएगी तो आपको सबसे पहले देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी 8वीं कक्षा का छात्र, उस तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ इसमें बताने के लिए रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।